इतना सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर वाला ये डेजर्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई करके देखिए। आज जो हम पेट पूजा में देखने जा रहे हैं, मैंगो से बना हुआ एक रेसिपी जो अभी सीजनल में है, तो खाने में उतना ही मज़ेदार लगेगा। ज़रूर ट्राई करके देखिए इस रेसिपी को। और अगर आपको पेट पूजा के वीडियोस अच्छे लगते हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज उपवास का मैंगो हलवा। तो इस रेसिपी के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है सामा राइस 3/4 कप जितना, इसे मैंने लिया है और इसे अच्छे से साफ़ करके लिया है। ये यूजुअली उपवास के वक्त यूज़ होता है, जैसे आप संकष्टी का उपवास करते हो या फिर नवरात्रि का, तो इस समय आप इस राइस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस राइस को आपको लगभग 5 मिनट के लिए आपको ड्राई रोस्ट करके लेना है। इसे अच्छे से भून लेते हैं। भूनने से क्या होगा, हलवा में जो सॉफ्ट टेक्सचर है वो बरकरार रहेगा और जो हलवा है वो स्वादिष्ट भी बनेगा। ये देखिए, अब ये जो सामा राइस है अच्छे से भून चुका है, इसे हम साइड में कर लेते हैं। एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस सामा राइस को और इसे ठंडा होने रखेंगे। अच्छे से फैलाकर इसे ठंडा कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरह। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद वही कढ़ाई में हम डालेंगे 1/2 कप जितना घी और उसमें हम डालेंगे थोड़े चिरौंजी, इसे चारोली भी कहते हैं। इसे अच्छे से घी में फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम सामा राइस का पाउडर जो हमने भून कर लिया था, उसे मैंने दरदरा पीस कर लिया मिक्सर में और इसे अब अच्छे से भून लेते हैं घी में। ये देखिए, ये जो घी है वो पूरा सामा राइस में मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा और घी से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। कोई भी हलवा हो ज़रूर घी में ही बनाइएगा। इस सामा राइस को वरई कहते हैं, भगर कहते हैं, इंग्लिश में सामा राइस कहते हैं। ये देखिए, अब इसको, इस कढ़ाई को मैं दूसरे गैस पर रख देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे। अब हम रखेंगे 1 कप जितना पानी और साथ में हम मिला देते हैं 1 कप जितना दूध, यानी कि इस हलवे को हमें 2 कप जितना लिक्विड लगेगा जो मिक्सचर है पानी और दूध का। इसे हम अच्छे से रोस्ट करते रहेंगे, वरना क्या होगा, हम इसे ऐसे ही गैस पर रखेंगे तो ये जल जाएगा। और इसमें हम डाल देते हैं 3 टेबलस्पून जितना ऑर्गेनिक शुगर, यानी कि मैंने ऑर्गेनिक शुगर जो यूज़ किया है वो जो शुगर क्यूब्स होते हैं उसका मैंने पाउडर करके लिया था। और साथ में हम डालेंगे पिंच ऑफ इलायची पाउडर, चुटकी भर हम डालेंगे स्वाद के लिए। इसे हम फिर छोटे फ्लेम में शिफ्ट कर देते हैं और ये जो कढ़ाई है इसे बड़े फ्लेम में डाल देते हैं। यहाँ पे दूध उबल चुका है तो गैस बंद करके इस जो सामा राइस का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसमें डाल देंगे। गैस को धीमी आंच पर ही रखिएगा और ये जो दूध का और पानी का मिश्रण है वो अच्छे से अब सामा राइस के साथ मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, पूरा गल चुका है, बस 2 मिनट में ये पूरा गल जाता है। ये देखिए, इसे अच्छे से चलाइएगा, चलाते रहिएगा वरना क्या होगा, नीचे चिपक जाएगा। ये देखिए, इतना सॉफ्ट लग रहा है, आप जिस दिन ये बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये हलवा कितना सॉफ्ट बना है। अब ये है मैंगो पल्प, जो मैंने एक सिंगल मैंगो लिया था उसका पल्प बनाया था मिक्सर में, बिना पानी बिना दूध कुछ इसमें मिलानी है। और ये आम इतना मीठा है इसलिए मैंने हलवे में कम शक्कर यूज़ किया। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी जब मैं ये बना रही थी ना हलवा, बहुत ही ऐसा लग रहा था कब ये हलवा बनेगा और मैं ये खाने को लूँगी। उपवास के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा जब भी आपका उपवास हो, और उपवास ना भी हो तो ज़रूर इसे बना के खाइएगा। ये देखिए, अच्छे से मिल चुका है, मैंगो का जो पल्प है वो पूरा आ चुका है सामा राइस में और इसे गार्निश कर लेते हैं कटे हुए काजू के साथ। अब हम गैस बंद कर लेते हैं। ये देखिए,
सामा राइस में बनाया हुआ मैंगो हलवा बनकर रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। दिल से बनाइए, दिल से खाइए। आपको ये हलवा की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये देखिए कितना स्मूथ बना है, दाने दाने में घी का स्वाद मिल चुका है। इसकी अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट टेक्सचर आ चुका है इसका। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है। इसे हम थोड़ा सा मैंगो क्यूब्स के साथ गार्निश कर लेते हैं और साथ में थोड़ा केसर हम गार्निश कर लेते हैं ऊपर से, थोड़ा एनहांस करने के लिए फ्लेवर को। तो ये देखिए हमारा उपवास का मैंगो शीरा या मैंगो हलवा बनकर रेडी है। इसे शीरा भी कहते हैं मराठी में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।